अस्सलाम वालेकुम। हेलो ऑल, आज हम कोफ्ते की सब्ज़ी बनाएंगे। वो कोफ्ते जो मैं फ्रोज़न करके रखती हूँ अक्सर, उन कोफ्तों को बनाऊँगी मैं, क्योंकि आज मुझे थोड़ा काम था, सफाई वगैरह करनी थी किचन की, तो मैं फटाफट फ्रोज़न कोफ्ते बनाऊँगी। उसके लिए मैंने हरी मिर्ची, प्याज, अदरक, लहसुन और ये खड़ा गरम मसाला ले लिया और इसको मैंने पीस लिया है ग्राइंडर में। खड़े गरम मसाले में काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और यही चीज़ें थी बस। एक कढ़ाई में मैं ऑयल गरम कर लूँगी और उसके बाद में मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल के खड़ा, और आगे की रेसिपी की तरफ चलूँगी। और ये गरम मसाला थोड़ा सा डार्क ब्राउन होने के बाद ही मैंने इसमें एक छोटा प्याज काट के डाल दिया था, और अब मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा फ्राई करूँगी और उसके बाद जो ग्रेवी हमने पीसी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। कोफ्ते बनाने की रेसिपी मैंने आपको जो बॉल बनाए थे, मीट बॉल, उसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ रमज़ान प्रिपरेशन वाले व्लॉग में, और उन्हीं फ्रोज़न कोफ्तों को मैं आज बनाऊँगी। और मैंने ये इसमें ग्रेवी डाल दी है जो मैंने पीसी थी, और ये इसमें डालते ही खुशबू आ गई, क्योंकि मैं गरम मसाला भी इसमें पीसती हूँ और इसकी वजह से टेस्ट भी अच्छा आता है और खुशबू भी आ जाती है। अब मैं मुश्किल से इसको 5-7 मिनट भूनूंगी बस, फिर मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी और अब आगे के इसमें ड्राई स्पाइसेस, हल्दी वगैरह ये सब डाल दूँगी। ये मैंने आधा चम्मच करीब हल्दी डाल दी है और अब मैं इसको भूनूंगी थोड़ी देर, ताकि हल्दी की रो स्मेल निकल जाए इसमें और हल्दी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही मैं इसमें आगे दूसरे मसाले भी डालूंगी ताकि सब चीज़ें एक साथ ही भुन जाएं। मैंने इसमें ये पत्तों वाले प्याज डाले, कोफ्तों में ज़रूर डालते हैं हम लोग। और इसको डालने के बाद में मैं इसको 2-3 मिनट तक भून कर अब इसमें मैं ड्राई स्पाइसेस मिला दूंगी, धनिया और मिर्च। और मैंने इसमें 2 स्पून के करीब धनिया डाल दिया है पिसा हुआ, और इसमें मैंने ये 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसकी भुनाई शुरू कर देंगे हम लोग। थोड़ा पानी ऐड करके हल्की हल्की इसकी भुनाई कर देंगे। तरह से, और जब तक इसका कण कण नहीं फूल जाता धनिया का और मिर्ची का, हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। और देखिए ये 5 मिनट बाद ही इसमें सारा ऑयल ऊपर आ गया था और इसकी भुनाई हो गई अच्छे से, अब खुशबू आने लग गई। और अब हम इसमें इसको 2-3 मिनट और भूनूंगी मैं, ताकि इसका और अच्छे से इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो जाएगा और अच्छी सी इसमें, और ये मैंने इसमें फ्रोज़न कोफ्ते डाल दिए थे, मैंने दही भी साथ ही डाला था लेकिन वो क्लिप मेरे से मिस हो गई और मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई। और बस मैंने ये इनको डालकर और ऊपर से दही डाल दिया था और एक इसको थोड़ा सा हिलाया था बस। अब ये 3-4 मिनट हो गए इनको, ये थम से गए, अब ये हमें डर नहीं है कि ये फूटेंगे या कुछ। अब मैं इसमें पानी ऐड करके और इसको ढक दूंगी, खुला पकाऊंगी, मतलब इसको अच्छे से अब खोलता हुआ पकाऊंगी मैं इसको, ताकि इसका सारा कच्चापन मीट बॉल्स का निकल जाए और ये अच्छी सी अच्छे से जैसे बिल्कुल फ्रेश होते हैं ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि फ्रोज़न है या। एक बार मैंने इनको रमज़ान में भी बनाए थे और ये दोबारा से बनाकर मैंने लास्ट में रखे थे लास्ट वीक, और ये वही मीट बॉल है। ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, सॉफ्ट होकर
और मैं इसे 2-5 मिनट के लिए और अच्छे से ढककर पका दूंगी ताकि अच्छे से इसका पूरा कच्चापन निकल जाए और अच्छे से पक जाए। ये बिल्कुल देखिए, इतनी बढ़िया खुशबू और इतनी बढ़िया रंगत के कोफ्ते बने थे। और जो थोड़े मैंने बचाए हैं उनको मैं आलू के साथ बनाऊंगी 2 दिन बाद, तो क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं सर्विंग के लिए। और अब मैं इसको सर्व करूँगी। गरम मसाला भी डाल दिया था मैंने थोड़ा सा ऊपर से, और थोड़ा खाते वक्त डाल लेंगे जिसको जितना चाहिए होगा। ये देखिए, इतनी बढ़िया खुशबू और फटाफट बनने वाली रेसिपी है, क्योंकि फ्रोज़न जब चीज़ें होती हैं तो हम फटाफट फ्रिज से निकाला, उसे थो किया और डाल दिया बस। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।